अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम टू न्यू वीडियो और आपको आज मैं एक जबरदस्त किस्म का विला एक्सप्लोर कराने वाला हूँ। चले चलते हैं, मैं आपको इस विला का टूर कराता हूँ। ये 272 स्क्वायर यार्ड्स का विला है, बट ये कॉर्नर का विला है। इसके अंदर एक्स्ट्रा लैंड भी मौजूद है और इसकी सबसे बड़ी खूबसूरत बात यह है ये बिल्कुल कॉर्नर का है और एक वाइडर रोड के ऊपर है, लूप रोड कहलाता है, बेरिया टाउन कराची अली ब्लॉक 12 के अंदर। जैसे हम इस घर के अंदर आते हैं तो आपको ऐसा लगेगा जैसे 500 स्क्वायर यार्ड से घर के अंदर मौजूद है, इस तरह को आपको फीलिंग आएगी। उसकी वजह यह है कि इसके कॉर्नर की वजह से उसको एक्स्ट्रा लैंड मिली हुई है। तो जैसे हम स्टार्ट करते हैं अपने टूर को इस विला के, हम इनसाइड आते हैं तो आपको लेफ्ट पाउडर वॉशरूम मिलता है। अब देखिए आप ये जिस लोकेशन पे, जिस पोजीशन पे मैं खड़ा हूँ, ये लाउंज का एरिया और आपको दिखाई देगा कि एक बड़ा डिसेंट सा लाउंज का एरिया आपको मिलता है और ऊपर सीलिंग के काम देखिए वो भी कुछ मुनासिब हुआ हुआ है इसका सीलिंग का काम। और इसी के साथ लेफ्ट में आपको ये ओपन ड्राइंग का एरिया मिलता है। अच्छा, इसके अंदर भी आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर आप गेस्ट को सेपरेट रूम से एंटर करना चाहें तो ये आपके पास एक सेपरेट डोर मिलती है। अच्छा, कॉर्नर में जैसे आपको मैं ये बताता चला अपने व्यूअर्स को कि कॉर्नर से क्या एजेस मिलते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये विंडो आपको झूल रही है, इससे आपको डे लाइट और खूबसूरत बाहर का माहौल, खूबसूरत लोकेशन और अंदर जो है आपको नेचुरल लाइट मिलती है और इसके साथ साथ यहाँ से आपको फ्रेश एयर मिलती है। चले चलते हैं मंदिर, आप इसमें करता हूँ सुना के बारे में और ये देखें खूबसूरत आपको इनसाइड स्टेट्स। अमूमन आपने देखा होगा कि 272 स्क्वायर यार्ड से बड़ा कितने जो स्टेट्स होती हैं वो आउटसाइड से होती है, बट इसके अंदर इस बात का ख्याल किया गया है कि आपके अपने घर के अंदर से आपको स्टेट्स मिले, ये आप देख सकते हैं। और स्टेट्स के नीचे भी देखिए आप बड़ा आपका एक एरिया मिलता है, उसके साथ ये विंडो है जिससे आपको अगर आप लाउंज के अंदर बैठते हैं तो आपको एक खूबसूरत माहौल मिलता है। ये कॉर्नर की वजह से इस विला की आपको एजेस मिलती है। चले चलते हैं यहाँ पर किचन और इसके बेडरूम से साइज और बेडरूम के आपको ये आपको बिल्कुल सेपरेट एक किचन मिलता है, गेटअप किचन है ये आप देख सकते हैं। और किचन के अंदर आप देखते हैं आपको बड़े जबरदस्त किस्म की कबर्ड्स ऊपर भी नीचे भी और तमाम इसकी एक्सेसरीज लगी हुई है, सिर्फ आपने आना है और खाना बनाना है। अब हम मौजूद है बेडरूम के अंदर। बेडरूम के अंदर देखिए आप फ्लोर पर कितना खूबसूरत बड़ी साइज की टाइल्स लगी हुई है, ऊपर सीलिंग का भी डिजिटल सा काम हुआ है और आपके साथ मैं बताऊंगा इसके जो कलर है वो कलर भी बहुत अच्छा कलर हुआ है। ये मैट फिनिश गार्डन कलर कहलाता है जो इसके ऊपर हुआ है और कलर कम्बिनेशन को भी मेंटेन किया हुआ है, तीन अच्छी मेंटेन है। और इसके साथ इसके अटैच बाथ आप देखो कितना बड़ा अटैच बाथ आप देखो, अटैच बाथ के अंदर आपको एक्सेसरी देखिए वो भी अच्छी क्वालिटी की लगी है। चले चलते हैं आपको मजीद एक्सप्लोर कराता हूँ, आपको ये विला पसंद आने वाला है। और विला जो है बहुत खूबसूरत है, बहुत शानदार है और है भी बिल्कुल कॉर्नर का। और कॉर्नर के आपको पता है कॉर्नर के साथ एक बहुत बड़ा सा गार्डन है जो उसका रिव्यू भी मैं आपको दूंगा। ये है आप हम आ गए इसके दूसरे मास्टर बेड पे, ये मास्टर बेड आप वॉल से काम चेक करें इसे कितना खूबसूरत वॉल से काम होगा, अच्छा डिसेंट ड्राइंग डिजाइन का काम होगा। जैसे आपको टू साइड विंडो मिलती है, एक बैक के ऊपर एक राइट के ऊपर, एक ये रोड साइड है और एक आपको बैक यार्ड की साइड पर। और इसी के साथ इसका अटैच बाथ को मैं आपको रिव्यू कराता हूँ। अटैच बाथ भी बड़ा अटैच बाथ है और इसके अंदर आपको जो है अंदर वॉशरूम भी मिलता है इसी वॉशरूम के अंदर। इसके अंदर का सेपरेट आपका शावर एरिया बिल्कुल सेपरेट हो जाता है, वॉशरूम सेपरेट है, बाकी तमाम एक्सेसरीज। अच्छा, इससे खास बात यह है कि इसके जो विला के जो इनसाइड डोर लगे हुए ये बहुत अच्छे क्वालिटी के डोर लगे, ये अमूमन ऐसे डोर होते नहीं है, मगर यहाँ पर अच्छे डोर लगाए हैं। चले चलते मजीद आप एक्सप्लोर कर रहे हो ऊपर के फ्लोर का, आपको ये विला बहुत पसंद आएगा, आपने आखिर तक इस वीडियो को देखना ताकि आपको इस कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस विला के हवाले से हो जो कि कॉर्नर का विला है प्रिसेंट 12 अली ब्लॉक के अंदर। ये आप देखें हम ऊपर के फ्लोर की तरफ जा रहे हैं और ये खूबसूरत स्टेयर से काम हुआ है, आप रेलिंग देखें ग्लास से काम हुआ है और जो नीचे आपकी मार्बल लगी हुई है बहुत अच्छी लगी है, ये खूबसूरत बेहतरीन किस्म का काम इस विला का हुआ हुआ है।
और जो मिला आपने मेरे ब्लॉक कराची में बहुत सारे विला में आपने फ्लोर कराया पर अली ब्लॉक के अंदर इतना खूबसूरत विला जो कॉर्नर का हो और 272 स्क्वायर यार्ड से ज़्यादा ऐसे एक्सलेंट मौजूद है। आप ये देख सकते हो ऊपर का जो एरिया है ये कॉमन एरिया जो लाउंज पहले करा था इस तरह मौजूद है और एक खूबसूरत डिसेंट रखा हुआ। चले चलते हैं, मैं मजीद आपको फ्लोर करा था इसके बेडरूम का और ऊपर एक सेपरेट किचन आपको ऊपर भी मिलता है। बिल्कुल सेम बैठने के लिए इसी के अंदर भी आपको वॉटर मिलती है जैसा आपने नीचे की फ्लोर पे देखी थी। चले चलते हैं दूसरे बेडरूम की तरफ आपको उसका रिव्यू करा दूं। यहाँ पर भी आप देखें माशाल्लाह से खूबसूरत कलर हुआ है और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। ये बिल्डर आप उसको पूरे कंप्लीट कर दे रहे हैं या ऊपर छत को काम दे सकते हैं, नीचे फ्लोर का काम, द्वारों का जो कलर वो है बड़ा पीछे तो अच्छा कलर हुआ और इसके साथ ही आपको एक अटैच बाथ मिलता है देखें और बड़ा बढ़िया साइज का बाथ है और इसमें भी वॉर्डरोब्स लगी हुई है कि आप देख सकते हैं और दरवाजे देखें आप क्वालिटी के दरवाजे लगे हुए इसके में और इसी के साथ देखें आपको इस विला की एक और खूबसूरत सी बात साथ में दूं। ये जो है ना ये जो बाहर आपको एरिया नजर आ रहा है गार्डन का ये सारा आपका एरिया इस विला के साथ अटैच्ड है। आप उसको अपनी मर्जी से मेंटेन कर सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं और यहाँ से आप व्यू देखें आपको व्यू कितना खूबसूरत व्यू नजर आता है आपको यहाँ से तकरीबन आधा बेरा डाउन कराची तो आपको अपने विला में से नजर आएगा। अच्छा इस विला की एक और खूबी है, सबसे बड़ी खूबी है कि ये टू साइड कॉर्नर है और इसके बैक में भी कभी कुछ नहीं बनेगा, ये सेम एज इट इज रहेगा। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं पीछे कोई गुंजाइश नहीं है कोई यहाँ पर विला बन सके या कोई चीज या बन सके, सिर्फ और सिर्फ आपका गार्डन होगा यहाँ पर। और इसी के साथ मैं आपको लेके चलता हूँ ऊपर से फ्लोर में, आपको इसका किचन फ्लोर में आता हूँ तो आप किचन आपको यकीन पसंद आ रहा होगा। चले चलते जी आप देख सकते हैं किचन का एरिया और इसी किचन के एरिया में से आपको जो गेट नजर आ रहा है आप इसी से ऊपर के फ्लोर पे जा सकते हैं, छत पे जा सकते हैं, यहाँ से ये छत पे आगे यहाँ से जा सकते हैं ऊपर छत पे जाने के आपको स्टेप मिल गया है और ये मिल गया प्रॉपर पूरा कंप्लीट है किचन आपको यहाँ पर रेडी किचन। तो वीडियो आपको यकीनन पसंद आएगी और चले चलते हैं इसकी खूबसूरत लोकेशन पे और मजीद आपके साथ इसके ऊपर की रिव्यू भी कराता हूँ। एक आपको बेड फोर बेड है, इन दोनों में दो बेड देखे और जो तीसरा बेड है इसका जो कि बिल्कुल रोड साइड पे आपको व्यू देखे आपको कितना खूबसूरत व्यू नजर आता है यहाँ से। अच्छा इसके अंदर जो है आप देखेंगे वॉल तो आपको इनसाइड रूम मिलेगी और इसके साथ इसका अटैच बाथ आप देखें कितना जबरदस्त आपको एक बड़ा डिसेंट सा अटैच बाथ मिलता है इसमें और साथ ही कल से तो काम देखें ना आपको काम नजर आया यार देखें कितना काम हुआ है इसके ऊपर, अच्छी टाइल्स अच्छा कम्बिनेशन तमाम चीजें बनाई हुई। तो रिव्यू चले चलते हैं मजीद आपको एक्सप्लोर किया था विला का। ये आप अपना प्रेयर रूम बना सकते हैं, स्टडी रूम बना सकते हैं, यहाँ पर आप अपने शाम की टी को एंजॉय कर सकते हैं। देखिए आप तो आपको और ये आपको बाहर जो लग रहा है टेरेस है, अब इस टेरेस पे भी हम आपको लेके चलते हैं और यहाँ का भी आपको रिव्यू देते हैं। अपने विला के अंदर आप अपने टेरेस में मौजूद रहें, उसकी सराउंडिंग में आप देखें ये देखिए आप कितना खूबसूरत है सामने आपको जो नजर आ रहा है सामने 11th ए के विलास है। व्यूअर अब करते हैं बात इसकी प्राइस की और इसके एरिया की। तो ये कॉर्नर का विला है और कॉर्नर के विला के अंदर आपको एक्स्ट्रा लैंड भी मिलती है और ये 272 स्क्वायर यार्ड से प्लॉट था जो मेरे टाउन कराची ने दिया था
बहुत इजी मेथड ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर इसके ऊपर ब्लॉक लगा है। एक्सेलेंट के साथ है ये, एक्सेलेंट वो भी है जो कंस्ट्रक्टेड एरिया के अंदर है और एक्सेलेंट वो भी मौजूद है जो अनकंस्ट्रक्टेड एरिया है जिसके गार्डन आपका है तकरीबन 100-150 स्क्वायर यार्ड का गार्डन आपको मिलता है। तो इसकी जो प्राइस है वो डिमांड है 5 करोड़ रुपए की है और बहुत ही खूबसूरत और शानदार बना हुआ है जो कि बेले टाउन कराची में आपको 80 फुट के वाइड रोड के ऊपर आपको मिलता है। तो मुझे उम्मीद है आज वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। तो आपने इसके लिए अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे नंबर पर रابطہ कर सकते हैं, मेरे नंबर आपके साथ इसी पर शेयर किए हुए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।